डैम प्रूफ न केवल सर्वोत्तम वाटर प्रूफिंग प्रदान करता है बल्कि अब आप इसके द्वारा अपने घर की छत को सुंदर एवं आकर्षक भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। स्टेप वन, सतह को तैयार करना। छतों एवं पैरापेट बाउंड्री दीवारों से समस्त धूल एवं मुक्त कणों को सतह से अच्छी तरह साफ करें। छत की सतह से बाहर निकले हुए लोहे के सरियों को ईंटों एवं सीमेंट प्लास्टर से अच्छी तरह से पैक कर दें। क्षतिग्रस्त सतहों को पॉलीमर युक्त सीमेंट मोर्टार द्वारा रिपेयर करें। सतह की दरारों क्रैक्स को स्मार्ट केयर क्रैक सील पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार के द्वारा अच्छी तरह से भरें तथा ये सुनिश्चित करें कि डैम प्रूफ लगाने से पहले सतह पर कोई भी धूल के कण न रहें। स्टेप टू, डैम प्रूफ एप्लीकेशन। डैम प्रूफ में 30% पानी मिलाकर ब्रश या रोलर की सहायता से 50 वर्ग फीट प्रति लीटर के अनिवार्य कवरेज के साथ सेल्फ प्राइमिंग कोट लगाएं एवं खुली धूप में 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। अब डैम प्रूफ का दूसरा वाटर प्रूफिंग कोट बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से 25 वर्ग फुट प्रति लीटर के अनिवार्य कवरेज के साथ लगाएं एवं खुली धूप में 4 से 6 घंटों तक अच्छी तरह सूखने दें। अब पैटर्न की आवश्यकता के अनुसार डैम प्रूफ व्हाइट ग्रे या टेराकोटा कलर का तीसरा एवं अंतिम वाटर प्रूफिंग कोट बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से 25 वर्ग फुट प्रति लीटर के अनिवार्य कवरेज के साथ लगाएं, जिससे कि डैम प्रूफ का 3 कोट में 10 वर्ग फुट प्रति लीटर का अनिवार्य कवरेज प्राप्त किया जा सके। अब सतह को खुली धूप में अच्छी तरह से 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। अब आपकी छत की सतह खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए तैयार है। पहला पैटर्न, आवश्यक सामग्री। सबसे पहले छत के पूरे क्षेत्र को 1.5 × 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए। अब दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की सहायता से सतह के संपूर्ण क्षेत्र में जिगजैग पैटर्न बनाएं एवं ध्यान रखें कि जिस लाइन में डैम प्रूफ टेराकोटा कलर लगाना है उस लाइन के सभी खंडों में मास्किंग टेप खंडों के बाहर की तरफ चिपकाएं, जिससे कि दोनों रंगों की एक समान चौड़ी लाइन बनाई जा सके। अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से सतह पर चिन्हित हर दूसरी लाइन में लगाइए एवं 4 से 6 घंटों तक खुली धूप में सूखने दीजिए। इसके बाद सावधानी पूर्वक मास्किंग टेप निकाल दीजिए। अब आपका मनचाहा पैटर्न बनकर तैयार है। दूसरा पैटर्न, आवश्यक सामग्री। सबसे पहले छत के पूरे क्षेत्र को 1.5 × 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए। इस पैटर्न की शुरुआत करने के लिए पहली लाइन के 2 एवं दूसरी लाइन के 2 खंडों को मिलाकर दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की सहायता से सतह पर आवश्यक पैटर्न बनाएं एवं अगले 4 खंडों में यही पैटर्न 90 डिग्री घुमाकर बनाएं। अब जिन खंडों में डैम प्रूफ टेराकोटा कलर लगाना है उनको चिन्हित कर लें एवं ध्यान रखें कि उन खंडों में मास्किंग टेप लाइन के बाहर की तरफ लगाए गए हों, जिससे कि कलर के एक समान त्रिभुजाकार पैटर्न बन सकें। इसी तरह से मास्किंग टेप की सहायता से संपूर्ण सतह पर पैटर्न बनाएं। अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को चिन्हित त्रिभुजाकार खंडों में बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से लगाएं एवं 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। इसके बाद सावधानी पूर्वक मास्किंग टेप को निकाल दें। अब आपका मनचाहा पैटर्न बनकर तैयार है। तीसरा पैटर्न, आवश्यक सामग्री। सबसे पहले छत के पूरे क्षेत्र को 1.5 × 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए। इस पैटर्न की शुरुआत करने के लिए
पहली लाइन के दो एवं दूसरी लाइन के दो खंडों को मिलाकर दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की सहायता से सतह पर आवश्यक पैटर्न बनाएं, जिससे कि पतंग की तरह की आकृति बनेगी। अब इसी तरह से मास्किंग टेप की सहायता से संपूर्ण सतह पर पैटर्न बनाएं। अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को चिन्हित खंडों में बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से लगाएं एवं 4 से 6 घंटों तक सूखने दें। इसके बाद सावधानी पूर्वक मास्किंग टेप को निकाल दें। अब आपका मनचाहा पैटर्न बनकर तैयार है। पैटर्न 4। आवश्यक सामग्री। सबसे पहले छत के पूरे क्षेत्र को 1.5 × 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए। इस पैटर्न को बनाने के लिए एक खंड छोड़कर हर दूसरे खंड के चारों तरफ बाहर से मास्किंग टेप लगाना है तथा छत के संपूर्ण क्षेत्र में इसी तरह से मास्किंग टेप लगाकर पैटर्न बनाना है। अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से उन सभी चिन्हित खंडों की सतह पर लगाएं, जिनके चारों तरफ बाहर से मास्किंग टेप लगाया गया है, तथा 4 से 6 घंटों तक खुली धूप में सूखने दें। अब मास्किंग टेप को सावधानी पूर्वक निकाल दें। अब आपका मनचाहा पैटर्न बनकर तैयार है।